डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। क्या सामाजिक मुद्दों पर बेखौफ होकर आवाज उठाना जुर्म है, या फिर पीड़ित, शोषित और वंचितों की आवाज बनना अपराध है? कुछ ऐसा ही मालूम हुआ जब गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी पर हुए आत्मघाती हमले की खबर सामने आई। जानलेवा हमले के बाद समाजसेवी राजेंद्र नाथ के समर्थक उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए DM कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। दरअसल राजेंद्र नाथ कोई और नहीं बल्कि वही समाजसेवी है जो कानपुर देहात में झोपड़ी में जलकर हुई मां बेटी की मौत पर इंसाफ के लिए आगे आए। इस मामले में जमीन से कब्जा हटाने को लेकर लेखपाल पर बिना सूचित किए झोपड़ी में आग लगाने का आरोप है, जिस आग में जलकर नेहा व उसकी मां की मौत हो गई। इन्हीं को इंसाफ दिलाने राजेंद्र नाथ आगे आए, लेकिन उन्हें कहां पता था कि लोगों को इंसाफ दिलाना उनके व उनके परिवार के लिए जान का जंजाल बन जाएगा। 15 फरवरी की रात 11 बजे की वारदात है जब राजेंद्र नाथ माँ विद्यावासिनी विद्यांचल मिर्जापुर से दर्शन कर अपने परिवार के साथ वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन पर आत्मघाती हमला होता है। ये हमला और कोई नहीं बल्कि जौनपुर से भाजपा के जिलाध्यक्ष के छोटे भाई छोटू सिंह व उसके 5 साथियों द्वारा किया गया है। इन भाजपा नेताओं के दबाव में आकर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है, और पुलिस ने समाज सेवी राजेंद्र नाथ पर फैसला करने का दबाव भी बनाया है। इसी को लेकर आज राजेंद्र नाथ के समर्थक DM कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कानपुर देहात में हुई घटना के दोषियों पर कार्रवाई करने व राजेंद्र नाथ की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV, और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।